हाय दोस्तों, बड़ों को पैरी पहना, छोटों को राम राम। और अभी शाम को मैं आ चुका हूँ और पूनम देखो ये कर रही है गाजर का हलवा। मेरा इधर हो रहा है गाजर का हलवा गरम। और आज ये हम किसी को देने जाएंगे, आप देख लेना। अभी जा रहे हैं मैं, रितिका और साहिल। ये देखो अभी गाजर का हलवा हो चुका है गरम। वो देखो साहिल और रितिका, हम तीनों जा रहे हैं कहीं, आपको पता चल जाएगा। अभी अभी बस जाने की तैयारी है। रितिका देखो कैसे नाच रही है, चलो इसको देने जा रही है भाई। चलो रितिका भाई। अभी हम आ चुके हैं डिस्पोजर लेने। नहीं यार छोटू, कितने का पैकेट है? 25 रुपए का। हमने ये ले लिया है गाजर का हलवा डालने के लिए। अभी डिस्पोजर कटोरी है ये, कितने से? 25 रुपए का। अंदर ही मोड़ गया, अंदर तो मोड़ेगा यार, तेरा जन्मदिन आ रहा है, पैसे नहीं मोड़ने, पैसे नहीं खुलने। तो बात करो, हेलो हाँ भाई, पाऊंगा चलो रितिका। अभी हम जा रहे हैं आगे और साहिल चलाएगा बाइक। कौन है? हाँ अभी देखो बच्चों को बांट रहे हैं गाजर का हलवा। यहाँ पर हम आए थे गाजर का हलवा देने बच्चों को, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते बच्चे। घर पे बहुत ज्यादा बना लिया था इसलिए हम यहाँ देने आए हैं। कोली में गाल का दे। यहाँ अंकल जी फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं, पुल के नीचे डिवाइडर पर। और घर से हम लेके आए गरम गाजर का हलवा, जो कि फालतू बना रखा था घर पे, किसी के तो काम आए खाने के लिए। गाजर का हलवा इधर भी दे। बना पाते भी मैं रितिका दे रही है गाजर का हलवा अपने हाथ से डालकर। इधर लाओ, इधर भी दो। ये देखो चलो आ जाओ। हम यहाँ पर गाजर का हलवा दे के जाएंगे अब घर। देने के बाद घर जाएंगे। चलो बैठो बाइक पर। ये देखो रितिका और मैं दोनों घर पे आ चुके हैं। साहिल ऊपर चला गया खाना खाने के लिए। और जो पुल के नीचे फुटपाथ पर जो गरीब लोग सोते हैं उनको गाजर का हलवा दे के आई थी रितिका। रितिका से बात करो। हाय गाइस। हाय गाइस।
अभी रितिका का आ चुका है खाना, अभी हम खाएंगे खाना। खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं, थोड़ी देर वेट करो हमारा। तो वहाँ पर जो डिवाइडर पे, जो फुटपाथ पर, हम रेलवे स्टेशन के पास एक पुल है अमृतसर रोड पे, वहाँ गए थे। जो फुटपाथ पे लोग जो घर से बेघर हैं, जिनका घर नहीं है, जो फुटपाथ पे सोते हैं, हम गाजर का हलवा हमारे घर पे बना हुआ था 2-3 दिन से, तो हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया था। तो उसमें से हम क्या, हमने गाजर का हलवा थोड़ा ज़्यादा बनाया था, तो और हम गरीब जो डिवाइडर पे सोते हैं ना फुटपाथ पे लोग, जो उनको देने चले गए थे। और रितिका और मैं, साहिल, तीनों लोग गए थे खाने के लिए। हम दे के आए उनको खाने के लिए और हमें अच्छा लगा। साथ में रितिका भी गई थी। आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ घर पे हो तो आप भी ऐसे गरीबों को दे दिया करो, जो किसी का गुजारा हो जाए। किसी के पास कभी कभी तो एक टाइम की खाने को रोटी भी नसीब नहीं होती है। अगर किसी का पेट भर जाए तो इससे अच्छी और कौन सी बात है। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइबर कर देना। और रितिका वहाँ देखो मोहित के साथ मोबाइल देख रही है, वो देखो। हाय गाइस, अभी हम ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। गुड नाइट।